जय श्री कृष्ण। आज हम विद्यालय बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास दसम का सामाजिक विज्ञान का अध्याय तीसरा अंग्रेजी साम्राज्य का पत्रकार और संघर्ष, जिसमें आज हम बनेंगे किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के कुछ कारण थे। अंग्रेजी सरकार की जो भू प्रशासनिक नीतियाँ थी वो जन विरोधी थी। बार बार क्षेत्र में अकाल पड़ रहा था, जिससे किसान परेशान थे। जमींदार और सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूल किया जाता था अमानक रूप से। व्यापारी और साहूकार किसानों को चुंगुल में फंसाकर झूठे दस्तावेज तैयार करवाते, जिनसे वो है जो नकद राशि भी और कई बार जमीन भी हथिया लेते थे। इनसे किसान परेशान हुए और इन परेशानियों की वजह से किसानों ने 19वीं शताब्दी में है जो किसान आंदोलन शुरू कर दिए। सबसे पहला जो प्रमुख किसान आंदोलन था वो था नील आंदोलन। क्या था? आंदोलन नील किसान आंदोलन। बंगाल से जो किसान आंदोलन शुरू हुआ वो था नील किसान आंदोलन। बंगाल से जो शुरू हुआ, बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। यह विद्रोह अंग्रेज भूपतियों के विरुद्ध था। इस विद्रोह में किसानों का साथ जमींदार साहूकारों धनी किसानों और सभी ग्रामीणों ने दिया। ये था अंग्रेज भूपतियों के खिलाफ। अंग्रेज भूपतियों के खिलाफ या विरुद्ध हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने वहां पर नील के बाग स्थापित कर लिए। नील की खेती अंग्रेजी तौर तरीके से होती, जिससे किसानों को कुछ नहीं मिलता था। इसमें लगभग हर वर्ग ने किसानों का साथ दिया। 19वीं शताब्दी में कुछ कंपनी के अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों ने बंगाल तथा बिहार में जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती प्रारंभ की। रिटायर्ड लोग जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने ये व्यवस्था शुरू की। इन्होंने किसानों से ऐसी शर्तों पर नील की खेती करने को बाध्य किया जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी। अप्रैल 1860 में 12-7 उप विभाग तथा पावना और नांदिया जिलों के समस्त किसानों ने हड़ताल शुरू कर दी और नील होने से इनकार कर दिया। यह हड़ताल बंगाल के अनेक क्षेत्रों में फैल गई। सरकार को व्यापक असंतोष का सामना करना बचने के लिए 1860 में नील आयोग नियुक्त करना पड़ा। और विरोध के विरुद्ध जब जन सहयोग मिला, क्या मिला? जन सहयोग मिला। और इससे बचने के लिए सरकार को नील आयोग गठित करना पड़ा। क्या करना पड़ा? गठित करना पड़ा। इस तरह से ये एक शुरुआती आंदोलन थी। फिर है 1875 ईस्वी में दक्षिण के विद्रोह। क्या है? 1875 ईस्वी में दक्षिण के विद्रोह। दक्षिण के विद्रोह का कारण अत्यधिक भूमि कर, कपास के भाव कम हो जाने और मराठा किसानों से अत्यधिक कर, इसके भी कई कारण थे। तो पहला तो था भूमि कर। दूसरा जाता वह फसलों की कीमतें और मराठाओं की है जो अत्यधिक कर नीति। क्या है? मराठा किसानों पर अत्यधिक कर नीति इसका कारण थी। मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों द्वारा अत्यधिक साहूकारों द्वारा लालच के कारण लेखों में हेराफेरी करने तथा अनपढ़ किसानों से बिना जानकारी के हस्ताक्षर करा लेते, जिससे दीवानी नालियों में फैसलों इन किसानों के साहूकारों के पक्ष में हो जाते से किसान बेदखल हो जाते थे। सन 1875 में किसानों ने पूना में जिले में साहूकारों के मकानों तथा दुकानों पर आक्रमण कर दिया। और दूसरा जो इसका मुख्य कारण था वो था साहूकारों के विरुद्ध अत्याचार। साहूकारों के विरुद्ध अत्याचार, जिससे वो उनकी जमीन में हेराफेरी कर लेते थे। बाद में यह विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया। पुलिस और सेना को बुलाकर यह विद्रोह दबाया जा सका। सरकार ने उपद्रव के कारण जानने के लिए दक्कन उपद्रव आयोग नियुक्त किया और सरकार ने भी इनसे बचने के लिए दक्कन उपद्रव
आयोग नियुक्त किया, क्या किया? नियुक्त किया, क्या किया? नियुक्त किया। 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया, जिसमें किसानों द्वारा ऋण न लौटाने पर गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता था। और 1879 में दक्कन किसान अधिनियम पारित किया। इस तरह से ये आंदोलन भी है जो किसानों के हक में रहा। अब हम पढ़ेंगे पंजाब में किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब का आम किसान ऋणग्रस्त और उसकी भूमि पर गैर किसान वर्ग का कब्जा हो गया था। इस भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम लेकर आई थी। ये है जो किसानों का साहूकारों और गैर किसानों वर्ग के खिलाफ था। किसके था? गैर किसान वर्ग और साहूकारों के, साहूकारों के विरुद्ध है जो ये अत्याचार था। फिर है चंपारण किसान आंदोलन। क्या है? चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन में उत्तर बिहार में चंपारण जिले में यूरोपियन नील के उत्पादक बिहारी किसानों पर अत्याचार थे। ये भी नील आंदोलन का हिस्सा था। क्या था? नील आंदोलन का कारण, नील के कारण ये आंदोलन था। और इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच की थी। और इसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे। ये गांधी जी का प्रथम आंदोलन है चंपारण किसान। गांधी जी के नेतृत्व और एक गांधी जी ने जांच करवाई थी। वो जांच करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। इनसे इनकी उस समय जांच हुई थी। किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कहा, लेकिन बाद में 1917 में एक जांच समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा नील किसानों ने जबरदस्ती की नील की खेती करना बंद कर दिया। और फिर है जो 1917 के बाद एक चंपारण किसान अधिनियम बनाया गया और यह आंदोलन खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे खेड़ा किसान आंदोलन। ये गुजरात की तरफ से था। यह आंदोलन मुंबई सरकार के विरुद्ध था। 1918 ईस्वी में बसंत ऋतु से फसलें नष्ट हो गई, फिर भी मुंबई सरकार ने भूमि की मांग, सरकार भूमि कर मांग रही थी, जबकि भूमि कर नियमों में स्पष्ट था कि फसल साधारण से अगर 25% से कम हो तो भूमि कर में पूर्णतः छूट मिलेगी। सरकार छूट देने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने कृषकों को संगठित करके सत्याग्रह किया। अंत में अंग्रेज सरकारों को गांधी जी की बात माननी पड़ी। ये है जो मुंबई सरकार के खिलाफ था, जो उस समय गुजरात का ये हिस्सा था। मुंबई राज्य में गुजरात भी शामिल था। और इस तरह ये जो अकाल से या वर्षा से फसल नष्ट हो गई, फसल नष्ट हो गई और उसके विरुद्ध फसल नष्ट होने के कारण नियम था कि अगर सामान्यतः 25% से
अधिक अगर फसल नष्ट हो जाती है तो भूमि कर नहीं लिया जा सकता। क्या नहीं लिया गया? भूमि कर नहीं लिया जा सकता है। लेकिन सरकार ने भूमि पर चढ़ के बैठ गई और गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल हुआ। इसके गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल हुआ क्योंकि उनको बात माननी पड़ी। अब है अन्य संगठित आंदोलन। अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अब और भी कई आंदोलन है, उन्हीं आंदोलन में सबसे बड़ी चीज है जो 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। ये एक किसान आंदोलन का एक अग्रगामी है। किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ भूमि व्यवस्था विरोधी आंदोलन किया तथा 36 में बिहार में बक्सासन भूमि के विरुद्ध आंदोलन किया। 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभाओं से सत्याग्रह पर हुए अत्याचार के विरुद्ध है जो कृषक दिवस मनाया गया। 18 अक्टूबर 1937 को किसान दिवस मनाया गया। जो किसानों के विरुद्ध अत्याचार हुए संपूर्ण भारत में वो इस सभा में है जो आंदोलन के लिए है जो किसान दिवस के रूप में मनाया गया था। आज कल हम पढ़ेंगे राजनीतिक रूप से हुए आंदोलन। धन्यवाद।